अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सारी का टाइम हो चुका है, सारी खा के नमाज पढ़ के तो बाहर में आई तो मैंने देखा कि चांद जो है वो नज़र आ रहा है। मैं कहा वीडियो ही बना लेती हूँ। ये देखें स्ट्रीट लाइट ऑन है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये देखें जी हमारे घर के पास रिक्शा खड़ा है ना, तो ये बच्चे आकर उसमें बैठ के थे। मेरा भतीजा भतीजी, ये द हिजाबी गर्ल है, इसका भी चैनल है, इसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ये मोहल्ले के बच्चे, ये भी बैठे हुए हैं जी इस रिक्शे में। और बाहर ये देखें जी धूप का अंदाज़ा कर लें, जितनी तेज़ धूप है लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है। ये आपको तस्वीर हिलती हुई नज़र आ रही है ना, ये हवा की वजह से। जी तो ये घर भी पेंट चल रहा है क्योंकि ईद आने वाली है, तो घर की थोड़ी सी फिनिशिंग करवानी थी, तो ये जो है इसको बुलाया, पेंटर को बुलाया है तो ये पेंट कर रहा है। ये है जी ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम की और सेटिंग ये वाली थी, आप लोगों के लिए मैंने कैप्चर कर ली थी। जल्दी जल्दी से रमज़ान में रूटीन काफ़ी टफ है, साथ इबादत भी करनी होती है और घर के काम भी यही लगे हुए हैं, पेंटिंग वगैरह और पेपर कर्टन्स वगैरह उतार के रखे हैं, ये भी धोने हैं क्योंकि अब जो है नई सेटिंग की तरफ हमने आगे बढ़ना है। तो कर्टन्स वगैरह जो है वो साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे मैंने। और ये मेरी छोटी सी भतीजी, ये भी हमारे साथ हेल्प कर रही थी। अब जो है हमारा काम शुरू हो गया था कि अब हम लोग जो है इस ड्राइंग रूम को जो है वो खाली करें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है हम लोग उसको खाली कर रहे हैं। ये सामने मेरी बहन, छोटी बहन बैठी हुई है, ये भी अभी उठेगी और हम दोनों जो है वो मिलकर जो है अभी हम लोगों ने, हम दो क्या यानी कि हमारा पूरा घर जो है वो आगे जब वीडियो में देखेंगे आप कि जो है वो किस तरीके से लगा हुआ है इस आज की सेटिंग करने को, क्योंकि रमज़ान में रूटीन आपको पता है काफ़ी हैक्टिक होती है, एक दो बंदों का काम तो होता नहीं है, इसलिए सब जो है जितने भी घर वाले थे वो सब कहीं ना कहीं जो है वो हल्के में लगे हुए थे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अब हम लोग इस फर्नीचर को कर रहे हैं खाली। तो खाली करने के बाद जो है देखते हैं क्या नए फर्नीचर को कैसे सेट करते हैं। और ये हमने वहाँ से ड्राइंग रूम से उठाकर जो है ये डाइनिंग रूम में रख दिया है सोफ़ा फिल वक्त के लिए, क्योंकि अब इस सोफ़े को करना है हम लोगों ने सेव। और ये सोफ़ा जो है वो 5 सीटर था और काफ़ी बड़ा था, ड्राइंग रूम छोटा होने की वजह से जो है वो बाकी जो है वो और सोफ़े की सेटिंग नहीं बन रही थी और स्पेस भी कम होती थी, कोई गेस्ट आता था तो प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से जो है वो सोफ़ा चेंज करना पड़ा। तो ये आगे है जी अल्हम्दुलिल्लाह नया सोफ़ा के मंगवाया है हम लोगों ने 7 सीटर। वीडियो में आपको कलर इसका शायद स्किन लगे, लेकिन ये स्किन कलर नहीं है, ये बेज कलर का है, बेज और ब्राउन डार्क ब्राउन कलर का इसका कॉम्बिनेशन है। यकीन करें कि ये सोफ़ा बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, जब हमने इसको सेट किया तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये रख दिया है सोफ़ा ड्राइंग रूम में, अभी सेटिंग नहीं किया है, बस अभी हम इसको सेट करके देख रहे हैं कि ये किस तरीके से जो है वो अच्छा लग रहा है। तो आपने भी साथ साथ देखना है और आपने बताना है कि कौन सी सेटिंग इसकी अच्छी लग रही है, एक सेटिंग ये है और एक दूसरी सेटिंग ये है, तो अब आप बताएं कि कौन सी वाली सेटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। किसका है? घर में काम लगा हो और बच्चे अपना पार्टिसिपेट ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो है इसने हमारे साथ पूरा पार्टिसिपेट किया है काम करने में, तो माशाल्लाह से देखें ये यहाँ सर उठा कर चीज़ें तो ड्राइंग रूम में सेट कर रही है और हेल्प कर रही है, और साथ ही फुप्पो इसकी जो है वो नमाज पढ़ रही है और ये साथ जो है आकर टेबल में जो है वो साथ साथ चीज़ें सेट कर रही है।
अब इसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा चढ़ गया है काम करते करते, तो अब ये कुछ कह रही है चाइनीज, बोलती है कुछ समझ ही नहीं आती है इसकी चाइनीज जो है वो हमें समझ नहीं आती है, कुछ गुस्से का इजहार कर रही है ये। काम करने के साथ साथ जो है मुबारक महीना जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है इससे भी जो है पूरा इस्तेफादा हासिल करें, और काम अपनी जगह और इबादत अपनी जगह, काम की वजह से इबादत को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। अल्लाह ताला खुद ब खुद जब आपकी नीयत इबादत की होती है तो आपके काम में भी जो है वो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि एक मेरी बहुत प्यारी बहन कह लें, दोस्त कह लें, आंटी कह लें, कोई जो भी आप समझें, तो वो जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो कुरान पाक की लर्निंग करवाती हैं, तो उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोगों ने उनसे जो है आज लर्निंग अगर लेनी हो तो ले सकते हैं जी। तो ये रही सेटिंग, और अभी ये हमने प्रॉपर सेट नहीं किया, इंशाल्लाह प्रॉपर सेटिंग के बाद भी मैं आप लोगों को जो है आपसे वीडियो शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा फर्नीचर कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।